अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस पूरा फिनिश हो गया है, मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ही इजी टेंस है और बहुत ही इजीली लोग यूज भी करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। बट फ्यूचर टेंस में चार टेंस होते हैं और आज मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, उनमें भी कई तरह के सेंटेंसेज आते हैं, सिर्फ एक ही तरह के सेंटेंसेज नहीं आते हैं, तो उनको भी जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहा, अगर आपने इंग्लिश अनुवाद किया है तो इसे आप मैच कर लो और जहाँ पर भी गलतियाँ वहाँ पर सुधार लिया करो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। तो आ गए हम अपनी क्लास में और बोर्ड पर हैं बहुत सारे सेंटेंसेस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है, रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, किसी भी फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? मैंने आपको एक बार बताया था तीनों टेंस की पहचान है, हूं हो को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट और गागे गी को फ्यूचर समझकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। मतलब जिस सेंटेंस के अंत में क्रिया और क्रिया के अंत में गा गे गी रहे तो समझ जाना कि वो फ्यूचर टेंस है। ओके फ्रेंड्स, और किसी भी फ्यूचर टेंस का इंग्लिश अनुवाद करते वक्त हम उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है वो यही है कि अंत में गागे गी रहेगा। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, वो मेरे घर आएगा, तुम खाना खाओगे, वे लोग खेलेंगे, इसी तरह से आएगा। वर्ब आएगा लास्ट में और वर्ब के अंत में गागे गी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह के भी सेंटेंसेज आते हैं जिसको हम आज सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, वह कल मुंबई जाएगा। तो मेकिंग फार्मूला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, वह कल मुंबई जाएगा, वह कल मुंबई जाएगा मतलब फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम बनाएंगे, ही विल गो टू मुंबई टुमारो। वे लोग आज शाम मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच टुडे इवनिंग। वह खुश रहेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी गागे की है, फ्यूचर है, बट इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। ओके, वर्ब नहीं है, सिर्फ यहां पर रहेगा, बनेगा, बनेगी, होगा, होगी, जो मैंने बेसिक में पढ़ा था वो भी फ्यूचर में आता है, इसके लिए मैंने इसमें भी उसको समझाना जरूरी समझा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं बेसिक में पढ़ाता हूँ वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी, इसमें कोई वर्ब नहीं है, रहेगा, बनेगा, ऐसा रहेगा, तो उसमें बी लगेगा शैल और विल के साथ। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मुंबई जाएगा तो ही विल बी गो टू मुंबई ऐसा भी बोलने लग जाते हैं। मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर का उनको मैंने बेसिक में पढ़ाया होता है कि बनेगा, बनेगी, रहेगा, 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 तो विल बी शैल बी लगाते हैं, तो फिर वो कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर का होता है उसमें बी लगा देते हैं। मैं खाऊंगा, आई विल बी ईट, ऐसा बोल देते हैं। बट यहाँ पर बी तभी लगेगा जब सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब ना हो, सिर्फ उसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ऐसा लास्ट में रहेगा, तो उसमें विल और शैल के साथ बी लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। तुम कभी डॉक्टर नहीं बनोगे, इसमें एक सिर्फ बनोगे है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ बनना वर्ब है, तो बनेगा, बनेगी, बनोगे, रहेगा, तो विल बी लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बी उसके साथ लगाते हैं। तुम कभी डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नेवर बी अ डॉक्टर। यहाँ पर कभी है और नहीं भी है, इसलिए नेवर लगा दिया हमने।
अगर हम नेवर नहीं लगाएंगे तो यू विल नॉट एवर बी डॉक्टर, ऐसा होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प यू। यहाँ पर अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो शैल लगाना बेहतर होगा, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से आई के साथ शैल लगता है, बट बोलचाल में आप विल बोलो, कोई बात नहीं, बिंदास बोलो। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट कम, आई वोंट भी बोल सकते हैं, पहले भी बताया मैंने कि आई वोंट हेल्प यू। विल और नॉट को साथ में मिलाते हैं, अगर हम शैल लिखते हैं और नॉट लिखते हैं तो शांट हो जाएगा, आई शांट हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, क्या तुम कल मेरे घर आओगे, विल यू कम टू माई हाउस टुमारो। अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बुक लाऊंगा, ये एक अलग तरह का सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो सेंटेंस है, अगर मैं मुंबई जाऊंगा ये पहला, तो तुम्हारे लिए बुक लाऊंगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ऐसे जब सेंटेंस है और दोनों फ्यूचर में ही नजर आ रहा है, तो पहला सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाते हैं, याद रखना। जब ऐसे सेंटेंस हो और इसमें दो सेंटेंस नज़र आ रहे हो और दोनों फ्यूचर में हैं, तो पहला सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं मुंबई जाऊँगा, इफ़ आई गो टू मुंबई, यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, If I will go to Mumbai, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। Okay friends, If I go to Mumbai, I के बाद फिर हम next sentence को हम future tense के हिसाब से बनाएंगे, I will bring you a book। Okay friends, अगर तुम कल मेरे पास आए तो हम बाजार चलेंगे। अगर तुम कल मेरे पास आए, यानी कि अगर तुम मेरे पास कल आओगे तो हम बाजार चलेंगे, इसमें भी दोनों फ्यूचर में हो गया, बट इसमें हम ऐसे बनाएंगे, इफ यू कम टू मी टुमारो वी विल गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, बस इतना आपको ख्याल रखना है कि इसमें दो सेंटेंसेस आते हैं एक ही सेंटेंस में, तो पहला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही बनाना है। ओके फ्रेंड्स, बट बशर्ते है दोनों सेंटेंस फ्यूचर में ही होने चाहिए हिंदी में। ओके, तुम चलो मैं आता हूँ। अब ये जो सेंटेंस है हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, तुम चलो मैं आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है कि यू गो आई कम, ये गलत होगा। यू गो आई कम, यहाँ पर हम फ्यूचर में बोलेंगे इसको, तुम चलो मैं आता हूँ। यू गो आई कम, यानी कि आई शैल कम या आई विल कम बोलेंगे तो भी चलेगा। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्टॉप आई शो यू, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, कन्वर्सेशन जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ भी चलता है, बस समझना होता है, बट सही बोलने की बात मैं कह रहा हूँ कि रुको मैं दिखाता हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेट आई शो यू मीन्स रुको, वेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई शो यू। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में सेंटेंसेज आते हैं। आपने देखा अभी कि कितने तरह के सेंटेंसेज आते हैं, सिर्फ यही नहीं आएगा कि मैं जाऊँगा, वो आएगा, तुम लोग खेलोगे, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं, दो दो सेंटेंस वाले, और इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं जैसे तुम चलो मैं आता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को भी समझ कर फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में हम कैसे बनाते हैं आप समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी करते हैं हम प्रैक्टिस। वह मुझे पैसे देगा, ही विल गिव मी मनी। क्या तुम कल मेरे साथ मुंबई चलोगे, विल यू गो टू मुंबई टुमारो विथ मी। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांटेंगे, विल योर फादर नॉट चाइड यू या वॉन्ट योर फादर चाइड यू। क्या वे लोग आज मैच खेलेंगे, विल दे प्ले अ मैच टुडे। अगर मैं उसे मिलता हूँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं उसे मिलूँगा तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊँगा। If I meet him, I'll tell him about you। अगर मैं बाज़ार गया या अगर मैं बाज़ार जाऊँगा
तो फ्रूट्स खरीद के लाऊंगा। इफ आई गो टू मार्केट आई ब्रिंग बाइंग फ्रूट्स। क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? विल यू लिसन टू मी? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे? विल योर फादर टीच यू इंग्लिश? क्या वह डॉक्टर बनेगा? विल ही बी अ डॉक्टर? क्या तुम्हारा भाई मेरे लिए किताब लाएगा? विल योर ब्रदर ब्रिंग बुक फॉर मी? क्या तुम चाय पियोगे? विल यू टेक टी? क्या आप यहाँ ठहरेंगे? विल यू स्टे हियर? मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। आई विल नॉट टेल यू। मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखाऊँगा। आई विल नॉट शो यू माय हाउस। रुको, मैं आता हूँ। वेट, आई विल कम। अगर वो मुझसे मिला तो मैं उसे आने के लिए कहूँगा। इफ़ ही मीट्स मी आई विल टेल हीम टू कम। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी? क्या वह तुम्हारे लिए कुछ लाएगा? विल ही ब्रिंग यू समथिंग? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी है समझने के लिए, और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इस वे से प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन में अगर आप एक स्ट्रक्चर्स भी अच्छी तरह से अपने जहन में बसा लेते हैं, तो एक महीने के बाद ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वे है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम आज के लिए सेंटेंसेस जो प्रैक्टिस के लिए है। ये रहे सेंटेंसेस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझकर इंग्लिश में अनुवाद करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश घर बैठे मुफ्त में सीखते रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।